वह बिहारी अभिनेता जो अपनी संवेदना के लिए जाना जाता है, जिसके अभिनय से आती है गांव की मिट्टी की खुशबू। बॉलीवुड में एक मकाम पाने के बाद अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए ऋषिकेश, वहां ठेले पर बनाने लगे खाना। जब लौट कर वापस आया तो हिट फिल्मों की जैसे लगा दी इसने झड़ी। वह बिहारी लाल आज अपनी कला, अपनी फिल्मों के लिए देश दुनिया में याद किया जा रहा है। बिहारी भी जोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे बिहारी अभिनेता के बारे में जो काफ़ी संवेदनशील है, चाहे वह फिल्म हो या फिर निजी जीवन, दोनों ही जगह पर वह अपनी संवेदना के लिए जाना जाता है। फिल्मों में इनकी संवेदना को देखकर लोगों के आंखों से आंसू निकल आएंगे और जब आप इनका निजी जीवन जानेंगे तो कहेंगे सच में यह व्यक्ति इतना संवेदनशील है। इस अभिनेता की प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जिस किरदार को पकड़ ले उसमें जैसे समा ही जाता है और उसके बाद वह किरदार हो जाता है। यह अभिनेता एक किरदार में फिट होता है। आप उस अभिनेता का सीरियस रोल देख लीजिए या फिर कॉमेडी, आपको मजा उतना ही मिलने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सब कुछ छोड़कर उसने ऋषिकेश का रुख अपना लिया, यानी कि पूरा घर परिवार छोड़कर वह ऋषिकेश चले गए और एक ढाबे में काम करने लगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा के बारे में। हम इस अभिनेता की फिल्मों में संवेदनशीलता को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र उनके जीवन पर डाल लेते हैं। इस अभिनेता का जीवन कोई गरीबी में नहीं बीता, लेकिन इस अभिनेता ने अपने आप के ऊपर कभी इस बात का एहसान नहीं होने दिया कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। इस अभिनेता का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ, लेकिन बचपन पटना में बीता। पिता पेशे से पत्रकार थे और दादाजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, लेकिन संजय ने अपने कैरियर के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। संजय का बचपन बनारस की गलियों में बीता। वे बनारस केंद्रीय विद्यालय से पढ़े लिखे हैं। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने NSD का रुख किया। यहाँ उन्होंने एक्टिंग का गुर सीखा और यहाँ से शुरू होती है संजय की फिल्मों की कहानी। संजय को चाणक्य सीरियल में पहली बार मौका मिला। इस सीरियल में उन्होंने कई टेक और रिटेक भी लिए। हालांकि यह दौर लंबे समय तक नहीं चला और साल 1995 में आई फिल्म ओह डार्लिंग ये है इंडिया में नजर आए संजय मिश्रा। इसके बाद उन्होंने सत्या और राजकुमार फिल्मों में छोटे छोटे रोल में दिखाई दिए। इन छोटी छोटी रोल के बाद आया फिल्म आंखों देखी, जिसमें हर किसी को संजय के बारे में बात करने और सोचने तक में मजबूर कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। यह वह दौर था जब संजय को फिल्मों में शोहरत मिल रही थी, अवार्ड मिलने लगे थे, लेकिन अचानक से बॉलीवुड का यह अभिनेता फिल्म की दुनिया से बाहर निकल गया और वह इस माया नगरी को जानता ही नहीं था। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ढाबे में काम करने लगा। संजय के बारे में यह भी बताया जाता है कि उन्होंने इस दौरान चाय बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम किया। दरअसल संजय मिश्रा के पिता की मौत होने के बाद वे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऋषिकेश जाने का फैसला कर लिया था। पिता से साया उठने के बाद उनके मन में एक तरह का वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उन्हें किसी चीज में मन ही नहीं लगता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना होगा। इसी पेट पालने को लेकर उन्होंने ठेले पर काम किया, जिसमें सब्जी काटने से लेकर चाय बनाने और बर्तन धोने तक का जिक्र होता है। कहते हैं संजय ने बचपन से ही वही किया जो उनकी इच्छा थी। उन्होंने पढ़ाई तक नहीं की क्योंकि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता था। संजय जब उत्तराखंड पहुंचे तो यहां भी उन्होंने पसंद का काम किया और वह भी खाना बनाना। इस दौरान रोहित शेट्टी का डायरेक्शन की दुनिया में जलवा था। संजय मिश्रा ने उनकी कई फिल्मों में काम भी किया था। ऐसे में वह एक बार फिर से संजय को खोज रहे थे और इसी दौरान संजय को फोन लगाया। संजय अपनी दुनिया में मस्त थे और इधर रोहित गोलमाल को लेकर कास्ट कर रहे थे। इसी दौरान जब संजय को रोहित बातचीत हुई तो उसमें रोहित संजय को मनाने में सफल हो गए और एक बार फिर से संजय मिश्रा फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब संजय मिश्रा लौट कर आए तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इस दौरान उन्होंने कई फिल्में हिट हुई, जिसमें फंस गए रे ओबामा, मिस टनकपुर हाजिर हो, प्रेम रतन धन पायो, मेरठिया गैंगस्टर और दम लगा के हैसा जैसी फिल्में और उनकी अलग पहचान बनाती है। संजय मिश्रा के अगर आप पारिवारिक जीवन को देखेंगे तो उनकी पत्नी का नाम किरण मिश्रा है, उनकी दो बेटियां हैं पाल मिश्रा और लंभा मिश्रा। जरा याद करिए संजय मिश्रा के उन दिनों को जब संजय मिश्रा अपना जीवन छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे और उसके बाद जब लौट कर आए तो सफलता की एक नई गाथा लिख रहे थे। संजय आज 20 करोड़ से भी अधिक के मालिक हैं और आज भी अपनी इच्छा अनुसार ही फिल्में करते हैं। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, संजय मिश्रा आपको कैसे अभिनेता लगते हैं और आप उन्हें किस किरदार के लिए हमेशा याद करेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।